हम तुम्हें 15 रुपए महीने के देंगे, लेकिन काम खूब कस के लेंगे। अरे कर्जा कौन दे रहा है? हम तो साझेदारी करेंगे तुम्हारे साथ, आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सब मेरी गलती है। जो मैं यहाँ होता तो ये जबरदस्ती कभी नहीं होने देता। फिर कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी माई और होरी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। बापू, बापू आ गए हीरा मोती। बाकी बचा एक, सो आप रख लो अपने क्रियाकर्म के लिए। होरी पाए लागे महाराज। पाए लागे महाराज। होरी, अभी तक घर पर ही बैठे हो? आज भी काम पर नहीं चलोगे क्या? अरे अब तो ठीक हो गए हो। महाराज हम विचार रहे थे कि बैल आ गए हैं तो तनी अपना खेत भी गोड़ लें। अरे भाई तुम बीच में हमारा काम कैसे छोड़ सकते हो? जेठ मास में छोड़ना हो तो छोड़ देना, जब तक तो। बापू अब तुम्हारी मजूरी नहीं करेंगे महाराज। क्या करो गोबर? अरे होरी तुम क्या कहते हो? अरे वो क्या कहेंगे, हम जो कह रहे हैं। मन था काम किया, मन नहीं है तो काम नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती है का है? तो फिर बेटा सूद समेत हमारा रुपया अदा कर दो। 100 रुपया भाई असल के और 3 साल का ब्याज अलग, 200 रुपया हो गया। समझे? हम तो समझे थे कि 3 रुपया सूद में कट जाएगा। अब तुम्हारा मन नहीं है तो ना सही। चाकरी के लिए कौन हुज्जत कर रहा है? कैसी चाकरी, किसकी चाकरी बापू? अच्छी दिल लगी है। 100 रुपए दिए थे, उम्र भर काम करवाया। और असल ज्यों का त्यों। ये महाजनी नहीं है महाराज। अरे बेटा तो हमारा रुपया सूद समेत अदा कर दियो, इसमें लड़ाई किस बात की है? हाँ, कितना कह रहे थे? 100 रुपया असल और 3 साल का ब्याज, 200 रुपया। किस हिसाब से? अब बेटा वो तो खाता में लिखा है। तो कोई हिसाब तो लगाया होगा, बताइए। वो तो हमको सब याद है महाराज। बापू ने 30 रुपया लिया था बैल के लिए, उस पर सूद लगा के आपने असल बना लिया 100 पे सूद लगाया, असल हो गया 200। हाँ, 1 रुपया फीसदी के हिसाब से जो शहर में चलता है, तुम हिसाब लगाओ तो भी 3 साल का होता है 36 ब्याज, असल है 30, दोनों मिलाओ हो गए 66। 70 ले लो, इससे बेसी 1 कौड़ी नहीं देने का। और नहीं मानो तो अदालत में जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे होरी तुम देख रहे हो, अपने सपूत करने आओ। अपने 200 रुपया छोड़ के हम 70 रुपया लें और नहीं तो अदालत जाएं। वाह, 4 दिन शहर में क्या रह गया है, तानाशाह हुई गए। अरे महाराज, अरे महाराज तनी सुनो हमारी। देखो होरी हम असल ब्राह्मण हैं, अपना रुपया तो हम। महाराज हम आपकी पाई चुका देंगे। का है के खेत परती में हैं तो एक ईख बोलें, वो भी तो आप ही के काम आएगी ना। तो होरी बात जौन है अपने बेटा को समझाओ जाए के। हाँ। अब क्या समझाए उसको? देखो बेटुआ, जब तक हमारी जिंदगी है हमें हमारे रास्ते पर चलने दो। तो चलो अपने रास्ते पे और भरो खुद अपना कर्जा। गधापन मेरा था जो मैं तुम्हारे बीच बोला। सुना है कि होली पर हमारी नकल उतारी उसने। हाँ, दो दो बीवियां तो आप ही रखते, एक छोटी ठगुराइन एक बड़ी ठगुराइन। मजाक की बात नहीं है नौखेलाल। अगर इस लड़के की लगाम न कसी गई ना तो पूरे गांव में बिदकता घूमेगा, पूरा मचा के रख देगा। प्यादे से फर्जी हुआ है ना, नए नए कानून सिखाता है, कहता है रुपया लेना है तो अदालत से ले जाए के। तुम लोग घबराओ मत, मैं नक्कू डालूंगा इसको। अदालत की कहता है ना तो अदालत ही सही, एक लगान का दावा ठोक दूंगा, ठीक हो जाएंगे दोनों बाप बेटा। लेकिन लगान तो होरी दे चुका है ना। लेकिन मैंने कोई रसीद दी हो तो ना। आज ही प्यादा भेजकर बुलवा लेता हूं। बहुत दिन बाद तम्बाकू भी है। पिएगा तम्बाकू पिएगा? अरे ना बापू, अब चिलम नहीं पीता। छोड़ देखा, पहले तो बहुत चुरा चुरा पी लिया करता था। क्या है बापू, शहर में सिगरेट चलती है। क्या सिगरेट बापू? पियोगे सिगरेट? ना ना। तुम्हें क्या है बापू, हैं? पी के तो देखो, बहुत मजा आएगा। हाँ अब आना भैया, हमें ना सुहाएगा। ठीक है। होरी, तुमको कारिंदा साहब ने बुलाया है। कौन, अनोखेलाल जी ने? हाँ। अरे इतनी रात पड़े, कौन जरूरत आ पड़ी? पता नहीं, कुछ लगान की बात कर रहे थे। तो लगान तो मैं दे चुका हूँ, ये बात वहाँ चल के करना। ले बैठो, पकड़ दे। बापू कहाँ गए? कोई एक मुसीबत हो तो बताओ, अब अनोखेलाल ने बुलाया है। तुम बैठो, तुमसे बात करनी है। बैठो ना। क्या बात करनी है? अब घर गृहस्थी भी शुरू करनी है कि नहीं? चलो यहाँ से चलने की तैयारी करो। पहले अपनी अम्मा से पूछ लो। तुम क्या हमेशा परदेसी करते रहोगे? अरे यहाँ बैठ के करूँगा क्या? कमाओ भरो, यहाँ धरा क्या है? यहाँ तो समझ काम ही नहीं करती। अरे झुनिया, अम्मा बुला रही है, तो मम्मा से ज़रूर बात कर लेना। हम क्या हुआ? क्यों बुलाया था? अरे पाई चुका दी थी लगान की। कहते हैं पिछले 2 साल का लगान नहीं दिया, बकाया। तो रसीद तो होगी तुम्हारे पास? अरे कैसी रसीद भैया, कौन देता है रसीद? तो बिना रसीद के तुम रुपए काहे देते हो? अगर रसीद नहीं देते तो डाक से भेज दो रुपए। हाँ, एक आधा रुपया महसूल लगेगा, लेकिन ये धांधली तो ना होगी। कभी सुना है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? डाक से लगान भेज दें, बहुत शहरी बातें करने लगे हो। दादा दीन को आग ना लगाई होती तो, और उसी का नतीजा है। कहाँ जा रहे हो? मैं जाके पूछता हूँ। अरे भैया तू जाएगा तो और आग लगा दूंगा, जरूरत पड़ी तो आग भी लगा दूंगा। तुम बैठो यहीं। मैं किसी का एक पैसा नहीं दबाना चाहता, मगर अपना एक पैसा भी खोना नहीं चाहता। तुम्हीं ने बताया था, जब ओख बेची थी तब 25 रुपए दिए थे। कोई दूर दराज की बात ना है। दिखा दे मुझे कहाँ लिखा है। क्या बात है कारंदा साहब, बापू आपको हाल तक का लगान चुका चुके हैं और आप 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं। जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो मैं कुछ ना हूं उस घर में? होगा होगा अपने घर में, यहां तो कुछ नहीं हो। तो ठीक है, आप बेदखली कीजिए आप। मैं भी अदालत ही में गंगाजली उठवा कर रुपए दूंगा। और याद रखिए, इस गांव से 100 गवाही दिलाकर साबित कर दूंगा कि आप रसीद नहीं देते, कभी नहीं देते। नहीं, इस गांव में से मुझे एक आदमी दिखा दे कि उसको रसीद मिली हो। और ये भी याद रखिए कि मैं लखनऊ में मिर्जा कुर्सीद का काम करता हूं। आपके मिल वाले खन्ना साहब और राय साहब हर दूसरे दिन मिलते हैं वहां। अच्छा नोकेलाल जी, मैं चलूं? इतनी बात बताऊंगा राय साहब को। अरे ठाकुर, हम आ रहे हैं भैया, मिल गए हो? इतनी बात, और फिर देखता हूं आप कैसे दोबारा रुपए वसूल करते हैं बापू से। तुम इतना गरम क्यों हो रहे हो? अरे इसमें गरम होने की कौन बात है? हौरी ने अगर रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं लिखे होंगे। कहीं ना कहीं मतलब? कहीं ना कहीं मतलब जो हिसाब तुम राय साहब को दिखाते हो उसमें नहीं लिखे हैं का? मैं कल ही कागज निकाल कर देखता हूँ। याद तो मुझे भी आता है कि होरी ने रुपया दिया था। तुम जमा खातिर रखो, अगर दिया है तो एक पाई बेसी नहीं मांगूंगा। देख लो, नहीं तो तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो। बिल्ली की म्याऊं सुन के डर जाते हो। अब मैं कहाँ कहाँ तुम्हें बचाता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दे जाता हूँ, दाता दीन मान जाए तो उन्हें देखकर पूरे की रसीद ले लेना। अनोखे लाल तो मान ही गया है कि तुमने पूरा लगान दे दिया है, वो रसीद देने को भी तैयार है। अब इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो मुझसे 1 ढेला ना मिलेगा। मैं परदेश में इसलिए नहीं बैठा कि तुम लुटाते रहो और मैं कमा कमा के भरता रहूं। मैं आज शाम को निकल जाऊंगा। अरे इतनी भी कहाँ जल्दी है, 2-4 दिन और टिकर है। ईख की बुआई करानी है, फिर लेन देन के हिसाब में जो गड़बड़ है वो ठीक कर ले, फिर निकल जाइयो। अरे मुझे रोज 3-4 रुपए का घाटा होता है, तुम समझती भी हो कि नहीं। यहाँ बहुत कुछ करके भी 4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ। अब के मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बहुत तकलीफ होती है। झुनिया भी जाएगी और नहीं। अच्छा तेरी मर्जी, और देख शहर में बच्चा कैसे पालेगी अकेले। अरे अब मैं बच्चे को देखूं कि अपनी सुविधा को देखूं। अरे परदेश में अपना ना आगे कुछ होता है ना पीछा, बच्चा पालना बहुत झंझट का काम है। अब मैं अपना परिवार देखूं कि माँ बाप को ही सर पे लेके घूमता फिरूं। चुन्नू के कपड़े लत्ते भी डाल देना, उसे भी साथ लेके जाऊंगा। ये बात कह तू अपनी लोगाई से, हाँ, जिसने तुझे शहर में रहने की अक्कल दी है, उसी ने मंत्र फूका हुआ तेरे ऊपर। अम्मा मैं कोई नादान नहीं, झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाए, उसे कोसो मत नाहक। अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पे ना निकालो, वो कोई बच्चा तो नहीं है जो मैं उसे फोड़ के ले जाऊंगी। जो रहना ही नहीं चाह रहा उसे कहाँ बांध के रखेगी। ए भगवान, माँ बाप का धर्म है बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, सो तो हमने कह दिया है। जात है तो जान दे। आशीष दे के विदा कर, तो बाधा ना डाल। हमने तो कोई बाधा ना डाली, वो तो बच्चे को भी साथ लिए जा रहे। भगवान जाने इतने बड़े शहर में इतने छोटे से बच्चे को कैसे पालेंगे, क्या होगा। अरे 40 और 7 47 जैसे जैसे रोते धोते तो कटी गए। 10-5 साल और रह गए होंगे। सो भी कर जाइए। हाँ भाभी, आज तो सचमुच बहुत लहर में हो, बहुत बनठन के निकली हो। किससे मिलके आ रही हो? अच्छा चुप रहो, नहीं तो 150 गालियाँ दूंगी। अरे लड़का परदेश कमाने लगा और एक दिन न्योता भी न खिलाया। अरे भाभी सौगंध उठवा लो हमसे, गोबर की कमाई का 1 रुपया नहीं छुआ हमने। बस एक जोड़ी धोती और एक गमछा सा हाथ लगा बस। अच्छा चलो ठीक है, कमाने तो लगा, आज नहीं तो कल घर संभाल ही लेगा। भगवान सुखी रखे उसे। ये ना बताया तुमने कि किससे मिलने गई थी? मैं तो किशन से मिलने गई थी मंदिर में। तू जा राधा से मिला। कहाँ? मंदिर में। आ अरे 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 सोनारी गांव से संदेश आया है। क्या करूं? अरे क्या करूं खा, जल्दी से जाकर बात पक्की कर लो। अरे कैसे पक्की कर लूं? कैसे मतलब? खाली हाथ कैसे चला जाऊं? न्योता लेके जाऊंगा तो शगुन के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। ब्याह कैसे पक्का करूं? जेब में 1 रुपया नहीं। सोचता हूं गोबर के पास चला जाऊं, बहन की शादी में कुछ तो देगा। खबरदार जो उस औरत के मुंह लगे फिर से। हाँ अरे जो हमारे बेटे को फोड़ के ले गई, वो बेटी के लिए कुछ देने देगी भला? ऐसा काहे सोचती है? जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो उस बेचारी का क्या दोष है? तो जाते ही क्यों हो खोटे सिक्के के पास? जादू है। बहुत हुआ तो 1 बीघा जमीन बेच देंगे। रूपा सोना की शादी हो गई तो फिर हमार का है, कहीं मजदूरी कर लेंगे। ठीक है।